डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही वेब सीरीज मास्टर ऑफ मेस्ट्रो 11 मार्च को रिलीज के लिए तैयार है। तो वहीं इस फिल्म को लेकर फिल्म के कलाकारों ने मीडिया से खास बातचीत की। वैसे हम आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म को लेकर फिल्म की पूरी टीम ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हमारी जो फ्रंट है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से और कपड़ा व्यापारी एकता एसोसिएशन जिसका मैं भी अध्यक्ष हूँ उसकी तरफ से आप सभी को जो इस मूवी के साथ इन्वॉल्व है मास्टर्स ऑफ मास्ट्रो इन इस जो आपने ये वेंचर लिया है पिक्चर बनाई है फिल्म बनाई है इस मौके पे मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ भगवान से अल्लाह ताला से वाहिगुरु से ये प्रार्थना करूँगा दुआ करूँगा कि ये फिल्म आपकी हिट हो अच्छी चले लोगों को पसंद आए और ऐसी आपको और पिक्चरों बनाने का आपको हिम्मत हौसला और प्रेरणा मिले। तो मैं मेरे साथ जो वोरा साहब खड़े हैं ये इनका मेरे साथ काफ़ी सालों से संबंध है काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी और मैं भी इनकी इज्जत करता हूँ नहीं तो इतना दूर से आना तो मैं समझता हूँ कि खास कोई एक दिल से लगाव होता है प्यार होता है प्रेम होता है तो आना होता है आना चाहिए ज़रूरी है अपना काम छोड़ के मैं इधर आया हूँ। तो मैं फिर से आप सबको और जितने दर्शक हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ होली की भी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं और मिथिला मिल के आपको ये शुभकामनाएं देते हैं और वाकई फिर से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करूँगा अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि आपका एडवेंचर बहुत अच्छा हो और वोरा साहब को और आपकी पूरी टीम को खास करके वोरा साहब और उनकी टीम क्योंकि टीम के बिना और एक साथ के बिना एक जो पूरी एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तो फिर से बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं जय हिंद वंदे मातरम। मायसेल्फ आयन वोरा आई एम फाउंडर ऑफ मास्टर फाउंडेशन एंड दिस प्रोजेक्ट रिसेंटली वी मेट एंड इट्स अ सोशल मैसेज देयर इज अ फाइव गाइस एंड दे आर डूइंग सोशल एक्टिविटी एंड afterwards they are not getting any work they become workless and all and afterwards they come to my office and we have in that this after that we'll show it in a second part so this is the journey masters of master mera naam najma akpani moob hai main ek social activist hu aur maine anjuman islam mein aur tata hospital mein kaam kiya hai aur kar rahi hu और ये जो फिल्म है वो एक सोशल मैसेज है और मास्टर फाउंडेशन जो है इनको अपलिफ्ट करते हैं हमेशा कर रहे हैं पुअर और गरीब तबके के लोगों के लिए और हैंडीकैप लोगों के लिए। तो मास्टर फाउंडेशन की यही कोशिश रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें काम दे सकें। ये एक सोशल वर्क के ऊपर फिल्म बनाई गई है जिसमें एक टीम रहती है जो कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं लगभग फाइव लीड जो होते हैं वो इसमें एक्ट करते हैं वो एक टीम बना के एक यूनिट बनाते हैं अपनी अलग से वो गरीब लोगों की मदद करने के लिए और कंसेप्ट ये है कि वो लोगों की मदद करते करते खुद कंगाल हो जाते हैं कोई अपनी मतलब जितने से हो सके वो उतनी सहायता के लिए पैसे इकट्ठा करना कुछ भी करना हो तो हेल्प इज इंडिया के एक तरह से कह सकते हो कि पुअर पीपल के लिए करें। आई वर्क फॉर एयर इंडिया एंड आई एम ए सिंगर डांसर एक्टर एंड कोरियोग्राफर और इसके बारे में मैं अभी मेरा वो सेकंड इनका वो शेड्यूल है उसमें मैं एक्ट करने वाली हूँ। मास्टर फाउंडेशन की ट्रस्टी हूँ और ये हमारी फिल्म जो बन रही है वो सोशल वर्क पे काम कर रही है और इसमें बहुत से आर्टिस्ट है और भी जुड़ेंगे। मेरा नाम नम्रता दास है और मैं एक सिंगर हूँ और अभी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है मास्टर फाउंडेशन से तो लोगों को इनकरेज करना चाहिए और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये इट्स कमिंग अपकमिंग ऑन 11th। मेरा नाम दिशा राज है और मैं इसमें मास्टरों में यहाँ पे जो आई हूँ तो कुछ सीखने के लिए अच्छे से मैं एक्चुअली मैं सिंगिंग में हूँ और एक्ट्रेस भी हूँ तो यहाँ पे मुझे बुलाया है कुछ मतलब इन लोगों के मास्टर ऑफ मास्टरों की जो मेंबर है तो मेंबर में मतलब
शामिल होने के लिए, और यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है तो उसमें मैं रोल कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आई हूँ, मतलब आगे मेरे टैलेंट को भी आगे मैं लेके जा सकूँ, बस इतना ही कहेंगे। हाय, मैं पूजा सिन्हा हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने बहुत से काम किए हैं, क्राइम मेट्रोल एंड सावित्री देवी एंड क्या हाल मिस्टर पंचाल में, और मैं यहाँ सोशल मीडिया में भी जुड़ी हूँ मास्टर फाउंडेशन से, इनका एक मूवी है मास्टर्स ऑफ मास्टर से जुड़ी हुई हूँ। ये प्रोजेक्ट जो मूवी चल रही है ये गरीबों के लिए है, जो नहीं अपने ऊपर प्रूफ कर नहीं पाते तो वो लोग मास्टर लोग इनको जोड़े हुए हैं, और ऑफकोर्स उसी के ऊपर ही है जो लाचार होते हैं, गरीब होते हैं, जिनका कोई नहीं होता तो ये लोग सहारा देते। मेरा नाम कविता ओझा है, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मैं सीरियल्स वगैरह में भी काम करती हूँ, अभी रनिंग शो चल रहा है जीत गए तो पिया मोरे, अभी मैं उसमें कर रही हूँ काम। और ये जो मास्टर फाउंडेशन है ये बहुत ही अच्छा भी सोशल वर्क कर रहा है, जो कितने भी गरीब बच्चे बूढ़े जो भी है उनके लिए ये फिल्म बना रहे हैं, सभी को इससे सोशल मैसेज मिल रहा है कि सभी की हेल्प करनी चाहिए, और किस तरह से वो करते हैं वो सभी स्ट्रगल्स दिखाए गए इसमें। अभी तो इस मूवी में हम नहीं रहे बट जो दूसरी भी आने वाली है उसमें हम रहेंगे, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मुझे। हाँ, मैं बिल्किस मिर्ज़ा हूँ, सेक्रेटरी ऑफ मास्टर फाउंडेशन, और अभी हाल ही में जो मास्टर्स ऑफ मास्ट्रो हुई फिल्म, तो उसमें मेरा रोल है मदर रोल, तो ये दिलचस्प मतलब जो है पहले भी मैं बहुत कर चुकी हूँ, पर लेकिन मास्ट्रो में आके जो मुझे मतलब चांस मिला है और जो रोल मैं चाहती थी वो मुझे मिला, आई एम वेरी ग्लैड और थैंक्स टू मास्टर फाउंडेशन। मैं मास्टर फाउंडेशन की ट्रस्टी हूँ, अभी ये जो मूवी बन रही है मास्टर ऑफ मास्टरो, तो उसका ये मैसेज है कि उसमें 5 लड़के रहते हैं और वो सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो वो सोशल वर्क जो करते हैं तो उसमें 5 लड़के बहुत मेहनत करते हैं और उस अपने पास में जो रहता है जो बजट उनका वो सब खाली हो जाता है, फिर वो सब खुद ही कंगाल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में वो लोग ठान लेते हैं कि नहीं हमको सोशल वर्क करना ही है, तो फिर उसके बाद में वो हमारा जो फाउंडेशन है उसमें जुड़ते हैं, जैसा मास्टर फाउंडेशन तो वो हम उसको एक सब्जेक्ट के हिसाब से लाए हैं, तो वो मास्टर फाउंडेशन से जुड़ते हैं और उनको कामयाबी मिलती है। तो यही ये मैसेज, ये एक फिल्म का ये मैसेज है कि अगर इंसान ठान ले कि हमको कुछ करना ही है, सोशल वर्क या कुछ भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो उसका कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, तो ये हमारा फिल्म का मैसेज है। थैंक यू मुझे बोलने का मौका। मैं कहना चाहता हूँ सोशल वर्क से जितने भी बंदे हैं हमारे, जितने भी मतलब एक्टर हैं, कुछ बहुत अच्छा का वर्क कर रहे हैं, मास्टर फाउंडेशन में मतलब हेल्प कर रहे हैं। मेरा नाम अरुण दुबे है, पेशे से एज ए मेडिसिन लाइन में हूँ और एज ए आर्टिस्ट भी हूँ, अभी मास्टर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये एक सोशल कॉज के लिए एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है जो कि सोशल कॉज में काम कर रहा है, लेकिन ये मैसेज पब्लिक तक कैसे जाएगा उसके लिए इन्होंने फिल्म बनाई है। फिल्म में 5 स्टार कास्ट हैं जो लीड कर रहे हैं, उसमें ये दिखाया गया है कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं विद दे आर नॉट अर्निंग, बट उनमें जज्बा है, जब सामने वाले की तकलीफ देख के बच्चों की तकलीफ देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, उसके लिए वो संघर्ष करते हैं अपना जो भी उनके पास है, जैसे किसी के पास मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल बेच देता है उस बच्चे के ऑपरेशन के लिए, और ये सब चीजें करते हैं, वो संघर्ष करते हैं लेकिन दे आर नॉट अर्निंग, तो उसके लिए वो सोचते हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं कि इनकी हेल्प हो सके, तो वो मैसेज वो उनको मास्टर फाउंडेशन मिल जाता है उस टाइम पे, और वो मास्टर फाउंडेशन के पास जाते हैं और वहां से उनको जो सहायता मिलती है वो सोशल वर्क लेके आगे बढ़ते हैं। और ये जो ये पहला रिलीज हो रहा है पहला पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में हमारा भी स्टार कास्ट होने वाला है, तो स्टार कास्ट के हिसाब से मास्टर फाउंडेशन इज वेरी गुड फाउंडेशन एज ए सोशल कॉज एंड गिविंग मैसेज टू ऑल एवरीबॉडी, और सबके लिए है और आगे ये सोशल वर्क में और बढ़े यही मैं दुआ करूंगा। जी पहले तो मेरा नाम तो हर्ष द्याम है और मैं एक एक्टर हूँ और गुजरात से हूँ, और एक मूवी जो हमने बनाई है मास्टर फाउंडेशन से मास्टर्स ऑफ मास्टर, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो गरीब लोग है उसकी हेल्प हम लोग करते हैं तो कैसे हम स्ट्रगल उसमें से करते हैं उस मूवी से, तो ये सब दिखाया है और 11 मार्च को वो रिलीज होने जा रही है, तो सबसे सब लोग देखें इसको मूवी को। जी मेरा नाम इब्राहिम रावल, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ एंड मिस्टर जयपुर फेस ऑफ जयपुर मॉडल एक्टर, एंड मास्टर फाउंडेशन से काफ़ी मुझे प्रॉफिट हुआ है, एंड ये मूवी हम लोगों ने की है 5 लोगों ने मिलके, इसके अंदर मेरा भी किरदार है, एंड हम गरीबों को लेके मतलब थोड़ा हम 3-4-5 फ्रेंड हैं तो उनको देखे
थोड़ा बहुत काम करते हैं एंड ऑल मास्टर फाउंडेशन और माय सर, थैंक यू सो मच, मुझे भी मौका दिया, मुझे बुलाया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम कुणाल लोहार है, मैं मुंबई से ही हूँ। मैं मास्टर फाउंडेशन से जुड़ा हूँ और सोशल मीडिया के लिए एक मैसेज दिया था जैसे मूवी बना के, जिसमें 5 लोग लीड कर रहे हैं। वही एक मैसेज है गरीबों के ऊपर कि जो मतलब वो मूवी देखेंगे तब जानेंगे गरीबों पे क्या होता है। तो इसमें हम लोगों ने सपोर्ट किया है मास्टर फाउंडेशन से, एक मूवी आ रही है हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर, प्लीज आप देखिएगा। नाम रफत खान है, मैं मास्टर फाउंडेशन में डायरेक्टर हूँ और ये मूवी हम मास्टर ऑफ मास्टर लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह 11 मार्च को ये बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने दिखाया कि किस तरह से 5 जो लड़के इसके अंदर दिखाए उन्होंने किस तरह से गरीबों की मदद की है और वो मदद करने के बाद किस तरह अपना सब कुछ खो बैठते हैं, जो चीज़ होती है कुछ बेच करके गरीबों की मदद करते हैं, जब बर्बाद हो जाते हैं मास्टर फाउंडेशन उसको फिर किस तरह उनको उठाने के लिए उनके पास जाता है और उनको अपने पास लेकर आता है। ये कॉन्सेप्ट है इस मूवी का कि गरीबों की मदद कीजिए, उनको देखिए, अमीर तो बहुत हैं लेकिन दिल से अमीर बनिए। थैंक यू। हाय, मैं शकुन, मैं एक एक्टर हूँ और एक मॉडल हूँ। हमने कई सारे सीरियल्स में वर्क किया है, यहाँ पे मास्टर फाउंडेशन में कई साल हुए मेरे को आए हुए, बहुत अच्छा काम करता है, ये मूवी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। है और मैं सिंगर हूँ, मास्टर फाउंडेशन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसके नेक्स्ट एपिसोड जो अभी फिल्म आने वाली है वेब सीरीज, उसमें मेरा कुछ रोल है अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो मेरा नाम मासूम सफीकी है, मैं नेपाल से हूँ, मैं भी मास्टर ऑफ मास्टर का मतलब मेंबर हूँ और अभी इस बार तो मेरा कोई रोल नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम मतलब इसका अगला पार्ट जो मूवी आएगा उसमें मेरा कोई रोल आएगा।